कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कम एज में खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज हर्षिता। तो आप ग्रेजुएशन के साथ क्या क्या कर सकते हैं, इसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ जो आपके लिए आई थिंक बहुत ही यूज़फुल होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, अगर आप उस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो। और आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है या उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं या जस्ट अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं और अपने होम टाउन से अनदर सिटी में जाके स्टडीज़ करते हैं। तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, लाइक फिनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती है, लाइक मी, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट और मैं भी अपने होम टाउन से किसी दूसरी सिटी में जाके स्टडीज़ कर रही हूँ। और फिनेंशियल प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास स्टडी करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कम एज में खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने फैमिली के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं क्यों ना हम कुछ अलग करें जो और स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनसे कुछ हटके करें। क्योंकि आप कभी भी जब भी अपनी जॉब ढूंढने जाएंगे, लाइक आप किसी शॉप पे जाते हो, तो एक शॉप है जिसका फर्नीचर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रही है, और एक शॉप ऐसी है जो बिल्कुल सिंपल सोबर सी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे फर्नीचर अच्छा है, दिखने में अच्छी है, तो आप उसी शॉप पे जाएंगे। तो ऐसा ही होता है जब भी आप अपनी जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, अपना CV उनको देते हैं, तो जिसके भी CV में उन्हें कुछ एक्स्ट्रा दिखेगा वो उसी को हायर करेंगे। तो क्यों ना हम अपनी ग्रेजुएशन के साथ कुछ अलग करें। अगर आप कोई ग्रेजुएशन के साथ कोर्स करते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से पहले तो पैसे मतलब करने होंगे, तभी आप कर पाओगे। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसमें हमें पैसा भी ना लगाना पड़े और हमें कुछ सीखने को भी मिले। हमें कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, ये एक बुक में लिखा गया है जो कि मैं आपको बताऊंगी बाद में। हम ये गलत सोचते हैं कि जो पैसा होता है वो हमारी नीड को पूरा कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होंगी तो पैसा खुद आपके पास आएगा, आपको पैसे के लिए काम करने की नीड नहीं होगी। तो जो ये स्किल्स हैं वो कैसे सीखी जा सकती हैं? हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इंडिया का जो स्टडी सिस्टम है, इसमें हमें जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं वो हमें रटाई जाती हैं, जबकि हमें प्रैक्टिकल चीज़ों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। हमारा जो माइंड होता है वो ऐसा होता है जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उनको जल्दी ऑब्जर्व कर पाता है इंस्टीड ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। लेकिन हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप कोई मूवी देखते हैं तो वो आपके माइंड में ऐसे सेट हो जाती है, क्योंकि वो हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल देख रहे हैं, यही हम उसको जब थ्योरेटिकल उसमें पढ़ेंगे तो शायद हमें वो याद नहीं रहेगी। तो आप अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो अब आते हैं इस बात पे कि आप ग्रेजुएशन के साथ क्या क्या कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो जो पहली चीज़ आती है वो है इंटर्नशिप। अभी इंटर्नशिप क्या होती है? आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं। अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, आप कॉलेज में स्टडीज़ करते हैं, तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब इंटर्नशिप में होता क्या है? इसमें आपको जो काफ़ी स्किल्स होती हैं वो सिखाई जाती हैं। इसमें आप एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम करते हो, इसमें आप एक जॉब की तरह ही वर्क करते हो, लेकिन इसमें आपको सैलरी नहीं मिलती है। इंटर्नशिप काफ़ी टाइप्स की होती है, जिसमें जो पेड होती हैं कुछ अनपेड होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको पैसों के लिए वर्क नहीं करना है, आपको अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है। अगर स्किल्स अच्छी होंगी तो पैसा अपने आप आएगा। तो आपको अपनी स्किल्स अच्छी करनी है, आपको इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप में आपको बहुत सारी स्किल्स होंगी जो आपको सीखने के लिए मिलेगी, लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी
और आप उसको अपने सीवी में भी दिखा सकते हो कि आपने किस कंपनी के साथ इंटर्नशिप करी है, आपने किस प्रोजेक्ट पे वर्क किया है। इससे जब आप फ्यूचर में कभी भी जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं तो इससे आपके बहुत चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ ही इंटर्नशिप कर लेते हैं तो इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अपनी ग्रेजुएशन में ही, जैसे आप स्टडीज़ कर रहे हो, आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ भी जॉब कर सकते हो। जैसे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, इंटर्नशिप काफ़ी टाइम्स की हो सकती है, जैसे कुछ 6 मंथ्स की भी होती है, कुछ 1 मंथ की, कुछ 2 to 3 मंथ्स की, तो इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जब आप इंटर्नशिप करते हैं, किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो वो आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको कितने टाइम के लिए किस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है। तो उसमें आपको काफ़ी सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं, आप एक टीम वर्क में कैसे काम करोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, आपकी काफ़ी सारी स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, जिससे आपको जॉब ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप एज अ फ्रेशर जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं तो शायद आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ इनकम करना चाहते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो आप इंटर्नशिप करो, उससे अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, अपना सीवी अच्छा बनाओ, इससे आपकी स्किल्स अच्छी हो जाएंगी और आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, अगर आप फ्रेशर भी हो तो। अगर आप इंटर्नशिप कर लेते हो तो वो भी आपके वर्क एक्स में फिर काउंट की जाती है कि आपने किसी कंपनी के साथ इंटर्नशिप की है, इतना टाइम आपने वर्क किया है। और मैं इसके लिए आपको एक साइट भी बता देती हूँ जो बेसिकली मुझे अच्छी लगती है। इंटर्नशाला नेम से एक साइट है जहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो अपने नीश के अकॉर्डिंग। लाइक आपको डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, आपको सोशल मार्केटिंग पसंद है, या आप आईटी सेक्टर के हैं तो वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। और इसमें भी क्या होता है कि पहले जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद ही आप इंटर्नशिप के लिए हायर किए जाते हो। और कुछ कंपनीज तो ऐसी भी होती हैं जो इंटर्नशिप के बाद आपको जॉब ऑफर भी प्रोवाइड कराती है, यानी कि आप उसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी और भी कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस, क्योंकि जो आपकी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होता है वो काउंट हो जाता है आपके सीवी में। आप अपने सीवी में एक्स्ट्रा अपनी एक्टिविटीज़ को दिखा सकते हो, अपना एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस को दिखा सकते हो। तो गाइज, अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर।